तो भाई जैसा आप चाहते हो, लेट अस बिगिन विद अ वेरी गुड टॉपिक, वेक्टर। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर पढ़ा होगा और मैथ्स के अंदर अपन वेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के वेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। फिजिक्स के वेक्टर में सिर्फ हल्का सा कंसेप्ट ही लगता है, लेकिन मैथ्स वेक्टर में भयंकर मैनिपुलेशन लगती है। वेक्टर और 3D, जैसे AOD है ना, AOD एप्लीकेशन डेरिवेटिव, वैसे वेक्टर और 3D से किसी भी ईयर का पेपर उठाएं। ये IIT के अंदर जाने के बाद भी बहुत काम का टॉपिक है। जब IIT के अंदर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे ज्योमेट्री खत्म हो जाती है, देयर इज नो ज्योमेट्री, सब कुछ वेक्टर है, सब वेक्टर, क्योंकि 3D के अंदर आप 2D चीजें नहीं बना पाओगे, सब 3D होगा, हर एक की विड्थ होगी, हाइट होगी, लेंथ होगी। वेक्टर सबसे काम का टॉपिक है। IIT के अंदर जाने के बाद भी वेक्टर एंड 3D जो दो टॉपिक हम पढ़ने आ रहे हैं वो खूब सारे आएंगे, और IIT के अंदर किसी भी ईयर का अपन पेपर उठाएं तो केवल वेक्टर और 3D से इतना पूछ लेते हैं कि आप कट ऑफ निकाल सकते हैं अगर दो टॉपिक अपन ढंग से कर लें। तो अपन पढ़ेंगे आज वेक्टर। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन, बोर्ड पर देखें और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ध्यान सुने डेफिनेशन। वैसे वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल ध्यान सुने, एनी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर। सुनना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे सुनो। वेक्टर के अंदर कोई भी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे अगर उसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम नहीं बनेगा, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम नहीं बनेगा। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है? करंट। ध्यान रखना, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को आप यू भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। आइए पहले इसी की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है फिजिक्स के अंदर सब बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब सुनना है बिल्कुल ध्यान से, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर के ऊपर ऐसे एरो का साइन बना देते हैं। जब भी किसी स्मॉल लेटर के ऊपर एरो का साइन बना देंगे तो यानी वेक्टर है। ए मतलब कोई स्केलर है, स्केलर मतलब केवल मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती है। स्केलर को सीधे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेक्टर को आमतौर पर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिनके ऊपर क्या बनाता है, एरो का साइन। एरो का साइन ये बताता है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। इसके केवल ए पढ़ते हैं, जबकि इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। क्या बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हमको समझ में आती है, डायरेक्शन पर भी और एलेबोरेट करेंगे। पहले मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझाता हूं, पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन समझाता हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलने की बजाय अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन बोले तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सुनो, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचो, यहां से यहां डिस्प्लेस हुए, फिर यहां से यहां डिस्प्लेस हुए, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। तो ये दिखा आपको ए प्लस बी वेक्टर। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, यानी दिस प्लस दिस बिकम्स दिस, वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पर कोई चीज पड़ी थी तो ए वेक्टर जितना डिस्प्लेस हुई तो यहां से यहां पहुंची, फिर उसके बाद बी वेक्टर जितना डिस्प्लेस हुई तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ये निकल के आना चाहिए। इफ दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। जब भी कोई भी क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो करती है तो वो कहलाती है वेक्टर। बोर्ड पर देखो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इनिशियल को बिल्कुल आप फाइनल से जोड़ दीजिए तो यही निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वेक्टर्स कैसे जुड़ते हैं? वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की तरह जुड़ते हैं। वेक्टर को इसीलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? स्ट्रेट लाइन से। बोर्ड पर देखते हो, कोई भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन,
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है टेल, ये इसका यहां से यहां तक, ये कहलाता है हेड, ये वेक्टर। वेक्टर को समझने का ज्योमेट्रिकली अपन वेक्टर को एक और तरीके समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकली, बिल्कुल ध्यान देखें, ज्योमेट्रिकली आप इसको समझें, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को हम लोग समझेंगे कैसे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन का टुकड़ा, लाइन का सेगमेंट जिसकी डायरेक्शन भी है, ऐसे चौक की तरह वेक्टर समझें। ये जो इसकी लेंथ है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये जो इसकी लेंथ होगी, यही लेंथ, यही चीज वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और एडिशन के टाइम ये फॉलो करेगा डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बात समझ में आई? इसका रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, और ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा विद डायरेक्शन, और जब भी जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट की तरह, ये खास बात है। तो वेक्टर समझ लो एनी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, कोई भी क्वांटिटी जो तीनों को फॉलो करती है वो कहलाती है वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर के ऊपर एरो का साइन लगा के, और उसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह। ये वेक्टर का ज्योमेट्रिकल पार्ट है और ये वेक्टर का एल्जेब्रिक पार्ट है। क्या बात समझ में आई? इस लाइन सेगमेंट की लेंथ आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन आपके वेक्टर की डायरेक्शन है। बोर्ड तो 2D है लेकिन रियल में स्पेस क्या है, 3D है। तो हमारा वेक्टर केवल ऐसे ही नहीं रहेगा, यू भी मुड़ेगा, यू भी मुड़ेगा, चारों तरफ घूमेगा हमारा वेक्टर। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे पहले कि हम वेक्टर के अंदर और आगे बढ़े, इससे पहले कि वेक्टर को और जाने, ये वेक्टर की डेफिनेशन तो जान ली, ज्योमेट्रिकली क्या है, लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन का क्या मतलब है, ये सब समझ लिया, इससे पहले हम वेक्टर के चैप्टर में और आगे बढ़े, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब तक हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं जानेंगे तब तक हम वेक्टर में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कैसा होता था, हम लोग दो लाइनें बनाते थे, ये x होता था, ये y होता था। अभी भी आप x और y ऐसे ही बनाइएगा, और एक एक्सिस आ जाएगी z एक्सिस यू नहीं है, z एक्सिस बेसिकली प्लेन से बाहर आपकी ओर है। z एक्सिस क्या है, प्लेन से बाहर आती हुई आपकी ओर। जैसे x और y एक्सिस बनाते थे वैसे ही बनाइएगा, x और y एक्सिस जैसे पहले थे वैसे ही, एक नया एक्सिस इसमें जुड़ गया ऐसे बाहर की ओर, ये है z एक्सिस। 2D पर अपन इसको ऐसे दिखा देते हैं, 2D में अपन को किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट बताने होते थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, जबकि 3D में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की जगह बताने के लिए हमको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है, और जेड कोऑर्डिनेट भी बताना है। क्या बात समझ भाई? इसीलिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3D का मतलब त्रिआयामी, 3D, इसके अंदर हर पॉइंट की लोकेशन के 3 डायमेंशन होंगे, एक्स वाई एंड जेड। ये कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये कहलाएगी वाई एक्सिस, और ये कहलाएगी जेड एक्सिस। ये क्या कहलाएगी? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ प्लेन ये कहलाता है एक्स जेड प्लेन, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये बना हुआ प्लेन ये कहलाता है वाई जेड प्लेन। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कौन कौन सी? एक्स वाई जेड, और 3 कोऑर्डिनेट प्लेन हैं, कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ध्यान रखना यहां पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है। वी हैव 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? यहां पर थोड़ा और डिटेल में देखना है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी हैं? एक्स एक्सिस। अच्छा, 2D में बात करें, यहां पर थोड़ा 2D में आ जाएं। जब केवल 2 ही एक्सिस थी तो ये भी अभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता है? y = 0।
क्योंकि x एक्सिस उन सारे पॉइंट का बना है जहां y जीरो है. क्या आपको y एक्सिस की इक्वेशन पता है? बिल्कुल सही, x इक्वल टू जीरो, सब कुछ जानते हैं आप. क्या आप सोच के बता सकते हैं यहां x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल सही, y इक्वल टू z इक्वल टू जीरो, क्योंकि x एक्सिस वो पॉइंट होंगे जहां y कोऑर्डिनेट भी जीरो है और z कोऑर्डिनेट भी जीरो है. देखो 2D में दो ही चीजें थी, तो एक के बारे में कुछ कहना होता था तो हम एक और चीज को इन्वॉल्व करते थे. एक्स एक्सिस के बारे में कहना है तो वाई को इन्वॉल्व कर लो. लेकिन 3D में तीन चीजें हैं, तो एक के बारे में कहना होगा तो बाकी दोनों इन्वॉल्व होंगे. बोर्ड पर देखें, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल सही बच्चों, एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, कॉमन सेंस. जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सही, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, कोई भी पॉइंट जेड एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा. क्या बात समझ भाई? यहीं पर तीन कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं क्या? बिल्कुल सही सोचा आपने, जेड इक्वल टू जीरो. कोई भी चीज अगर इस एक्स वाई प्लेन पर होगी तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा? जीरो, एग्जैक्टली. क्या आप वाई जेड प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं? कोई भी चीज अगर वाई जेड प्लेन पर होगी तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट जीरो. कोई भी चीज अगर जेड एक्स प्लेन पर होगी तो क्लियरली वाई कोऑर्डिनेट जीरो. ये क्लियर? एक मिनट रुक जाओ, क्या आप गाड़ी पहुंची यहां तक? क्या बात समझ में आई? 2D में बड़े चिल्ला चिल्ला के कहा जाता था कि पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी. अगर मैंने बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो क्या है 3, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहां से आया 3? तो अगर मैंने बोला इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो इसका मतलब होता था कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी भाई साहब 3 है. और जब मैं बोलता था कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है तो क्या है 2? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है. अब यहां पर भी ज्योमेट्री मन मान जी गुरु जी, मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 2, 4 है, 2, 3, 4 कुछ भी है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जेड कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जैसे यहां पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यहां पर भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. पहले आप 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझो, ये नहीं समझ में आएगा तो वेक्टर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. ये समझो पहले, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे और तीन कोऑर्डिनेट प्लेन होंगे. जैसे 2D में हम एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं, और यहां तो एक ही प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन. यहां पर तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन है. अब यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का मतलब पता लग गया. यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? और डायग्राम थोड़ा गंदा करें, बोर्ड पर देखो, देखते रहो, सुनो. यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? सुनना है ध्यान से. बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर. ये कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट. इसका मैं ट्रिक बताता हूं, छोटे बच्चे वैसे आप लोग समझ गए, फिर बता देता हूं. बचे हुए से परपेंडिकुलर दूरी, वाई कोऑर्डिनेट क्या था? बचा हुआ. कौन बचा है? एक्स बचा है. तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, यहां एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कौन बच गया? वाई और जेड बच गए. तो वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी उसका एक्स कोऑर्डिनेट है. हर चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो, ऐसे ही नहीं है एक्स 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 वाई एक्स. एक्स कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? सॉरी, वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट. जब मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो कहां से आया 3? वेयर इज दिस 3? कैसे आया 3? कैसे नापा 3? वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट. बोर्ड पर देखते रहे, और रंग नहीं है, चलो इसी रंग से काम चलाते हैं. अब फिर समझो, वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है. जेड कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, ये आपका जेड कोऑर्डिनेट होता है. जो वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्सजेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्स प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी दैट इज जेड कोऑर्डिनेट. दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट.
जब कोई 3, 2, 4 बोलेगा तो 3 का मतलब समझिए, 2 का मतलब समझिए। अच्छा एक और चीज यहां समझनी है, ओरिजिन, ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। जब भी अपन कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी सवाल बनाते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं फिजिक्स के अंदर। अरे आपने वो रेफरेंस फ्रेम्स पढ़े होंगे, तो रेफरेंस फ्रेम का कोऑर्डिनेट, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मूल बिंदु कहते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमारे 2D का ये ओरिजिन है और 3D का ये ओरिजिन है, 0, 0, 0। 2D में ओरिजिन 0, 0 है और 3D में ओरिजिन 0, 0, 0 है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको समझें, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स को समझने का दोनों तरीके समझना है, एक तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, जेड कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, तो एक चीज हो गई, ठीक है। अब ओरिजिन मतलब क्या होता है, जब यार कोई क्वेश्चन करते हैं, तो जब अपन लोग क्वेश्चन करते हैं, तो कल अपन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन कर रहे थे, तो अपने को दे रखा था कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 18, 24 और 30, तुमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल है तो कट उसका 90 डिग्री ओरिजिन पर रख दिया, तो ओरिजिन मूल बिंदु है। अब सुने, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 2 है, तो ये आपको बता रहा है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका, इसको समझे, इसको ओरिजिन से 3, 2 तक कैसे पहुंचेंगे, 3 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चले, फिर 2 यूनिट वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले, पहुंच गए 3, 2। ये 3, 2 उसका एड्रेस है, ओरिजिन के रिलेटिव। जब आप एड्रेस देते हैं तो किसी चीज के रिलेटिव, जैसे इस कोऑर्डिनेट के रिलेटिव अगर 3, 2 है, तो इस कोऑर्डिनेट के रिलेटिव थोड़ी 3, 2 होगा, कुछ और होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ हो जाएगा। Whenever you are specifying something, it is with respect to some origin. It is with respect to some coordinate axis. और 3, 2 का meaning क्या है? कि x axis के along 3 चलो, फिर y axis के along 2 चलो, पहुंच गए 3, 2 पर। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? Very good, very good. आप लोग बहुत intelligent. अब ऐसे ही 3D coordinate system होता है. Origin से शुरू होकर किसी, मान लो इस point के coordinate हैं, please board पर देखना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3, 2, 5, तो ये हमको बताता है ओरिजिन से यहां तक पहुंचने का रास्ता। ओरिजिन पर खड़े हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 चलिए, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 2 चलिए, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल 5 चलिए, ये लीजिए पहुंच गए। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता है ये, 3 यूनिट एक्स के एक्सिस के अलोंग चलो, 2 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग चलो, 5 यूनिट जेड एक्सिस के अलोंग चलो। मतलब थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब किसी को अगर मैं बोलूंगा कि यार मेरा घर जो है 3, 2, 5 पर है, तो वो नया नया अगर होगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि 3x कोऑर्डिनेट है उसका, 2y कोऑर्डिनेट है उसका और 5 उसका जेड कोऑर्डिनेट, ऐसा बोलूंगा मैं कि 3x कोऑर्डिनेट है। अब कोई मुझे 3, 2, 5, तो मान लो कंफ्यूज होगा कि 3 जो है x एक्सिस के अलोंग चलूं कि y एक्सिस के अलोंग चलूं, लेकिन हम लोगों ने एक मापदंड सेट कर लिया है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि पहले हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, फिर हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, फिर हम z कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो जो पहला जो नंबर है भैया वो x कोऑर्डिनेट फिक्स है, स्टैंडर्ड है, दूसरा जो नंबर है वो y कोऑर्डिनेट और तीसरा जो नंबर है वो जेड कोऑर्डिनेट, जिसे अपन नाम बोलते हैं अरविंद सिंह, तो मतलब पहला नाम है दूसरा उसका सर नेम है, ऐसा। तो एक स्टैंडर्ड सेट है, मान लो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ी सोचो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एड सम इंफॉर्मेशन टू दिस 3, 2, 5, ताकि ऑटोमेटिकली ये बात पता लग जाए कि अगर आप ओरिजिन पर खड़े हैं तो 3, 2, 5 तक कैसे पहुंचेंगे, 3 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, मतलब बोलने वाले को, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 3 यूनिट्स अलोंग एक्स, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, फिर 2 यूनिट्स अलोंग वाई, रुकना मत, 5 यूनिट्स अलोंग जेड, ऐसा बोलूंगा कि यार तू अगर ओरिजिन पर खड़ा है और तुम्हारे घर आना है तो 3 यूनिट अलोंग एक्स चलो, रुको मत, प्लस और चलना है, 2 यूनिट अलोंग वाई चलो, प्लस और चलना है, 5 यूनिट अलोंग जेड चलो, बस
पहुंच गए आप मेरे घर पे। ये जो यूनिट्स अलोंग एक्स है बोर्ड पर देखें, ये यूनिट्स अलोंग वाई है, ये यूनिट्स अलोंग जेड है। वेक्टर कैसे प्रेजेंस में आया मैं आपको बताता हूं। वेक्टर की रियल में जरूरत कब पड़ी? वेक्टर की रियल में जरूरत तब पड़ी जब स्पेस में लोगों को ट्रेवल करना था, क्योंकि धरती पे हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है आपका अर्थ प्लेन हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसा कोई जगह हो जहां रेफरेंस फ्रेम ना हो, अब हवा में ऐसे घूम रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल। आप स्पेस में अगर जीरो ग्रेविटी में है और आप वो धक्का दे रहे तो फिर रोटेट करते रहेंगे, तो आर रोटेटिंग, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल, देयर इज नो वर्टिकल। तो उस केस में वेक्टर्स वहां से रियल में है, वहां पर जरूरत पड़ी है जहां पर कोई रेफरेंस फ्रेम ना हो, जहां कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहने को ना हो। अब देखो, थ्री यूनिट अलोंग एक्स चलना है, मुझे यही बताना है कि थ्री यूनिट अलोंग एक्स चल, तो मैं क्या करता हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं एक नई चीज का आविष्कार करता हूं। मैं क्या बोलता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यूनिट डायरेक्शन ली मैंने, यूनिट डायरेक्शन, और इसको नाम दिया आई कैप। यूनिट इसकी लेंथ कितनी है? वन, जिसे हम बोलते हैं 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर। 3000 मीटर मतलब 3000 टाइम्स ऑफ मीटर, 1 मीटर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया बेटा, दिस इज 1 मीटर। मैं कहूं 3000 मीटर, यानी इस 1 मीटर का 3000 टाइम्स। तो ये आई कैप है, इसने पहनी है टोपी, यहां वेक्टर का साइन नहीं है, ये वेक्टर का साइन था, सुनो ये वेक्टर का साइन था, जबकि ये है आई कैप। कैप कब लगाते हैं और ये वेक्टर कब लगाते हैं, बोर्ड पर देखो। आमतौर पर कैप तब लगाते हैं जब इस चीज का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको क्या लगा देते हैं, कैप। आई कैप का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और आई हमने सेट कर लिया है। आई का मतलब किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। उसके बाद हमने वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाया जे के, और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाया के के। बहुत धीरे से हम वेक्टर में एंटर होने वाले हैं। अब मुझे चलना है 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं लिखूंगा 3 आई कैप, यानी 3 times I cap। 3 मीटर लिखते हो ना, 3 times meter। अब वहां पर मीटर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, या आई कैप का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो यू मूव 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, देन 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस, एंड देन 5 यूनिट्स अलोंग जेड एक्सिस, एंड यू विल रीच, वेर यू विल रीच, 3i cap + 2j cap + i cap। ये बन गया आपका वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप यूं चले, फिर यूं चले, फिर यूं चले, इसको डिस्टेंस से कोई लेने देना नहीं है, ये सीधे अपना बन गया 3, 2, 5 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है वेक्टर, दिस इज वेक्टर। ये वेक्टर क्या दे रहा है, इस वेक्टर को देखो ध्यान से, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर ये वेक्टर है। वेक्टर को ज्योमेट्रिकली देखो, वेक्टर, ये वेक्टर कहां है, इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन, एंडिंग पॉइंट क्या है, 3, 2, 5, और ये वेक्टर किधर से किधर है, ओरिजिन से 3, 2, 5 को, यानी इसका मतलब समझो, अब मैं हवा में कोई भी डायरेक्शन बना सकता हूं, कोई भी डायरेक्शन। कैसे बनाऊंगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, और 3i cap + 2j cap + 5k cap मुझे दे देगा इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर। एंड इट सिंपली मींस 3 along x axis + 2 along y axis + 5 along z axis। क्या छोटी सी बात समझ में आई, जगह खत्म हो गई, 2 बातें और है, कॉपी करो। हाँ, आप सुनो सब ध्यान से, ये हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया, और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने वेक्टर भी थोड़ा सा देख लिया। सुनो ध्यान से, आई कैप हमेशा रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस से भी पॉजिटिव ही रहेगा। जे कैप हमेशा डिनोट करेगा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड के कैप हमेशा डिनोट करेगा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। 3i cap का मतलब है 3 units into i cap, आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, 2j cap 5k cap। यानी बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D. थ्री डायमेंशन में वेक्टर्स कैसे होंगे? कोई भी वेक्टर थ्री डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कहलाता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये कहलाता है वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और ये कहलाता है वेक्टर का जेड कंपोनेंट. कोई भी वेक्टर 3D में उसका कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ जेड कंपोनेंट होगा. कोई भी वेक्टर थ्री डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. क्या बात समझ में आई से बच्चों को? बोर्ड पर देखते रहे, बोर्ड पर दो मिनट. यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर. नाम पर जाइए, पोजीशन बताने वाला वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर. कुछ नहीं है वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. वेक्टर जो पोजीशन बताए, सुनो ध्यान से, ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z. सुनते हैं, कोई भी पॉइंट अपन ले लें, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे. मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, तो ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर, ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर कहलाता है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. और ये पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. आई कैप जे कैप के कैप लगाओगे तो वेक्टर बन जाएगा, और आई कैप जे कैप के कैप हटाओगे तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा. दोनों इतने करीब हैं, इतने इंटरचेंजेबल हैं. 2, 3, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. जब वेक्टर सुनते मन में आना चाहिए लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. जब मैं बोलूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप और 4 के कैप, कहां है ये वेक्टर? कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? तो 0, 0, 0 से शुरू हो रहा है और 2, 3, 4 पे खत्म हो रहा है. किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर. क्या बात समझ में आई से बच्चों को? क्या बात समझ में आई से बच्चों? कॉपी करो. ओके, अब मेरी बात सुनो. 3D में कोई भी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? 3D में हम कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब यहां थोड़ा टॉपिक अपलिफ्ट होगा, ध्यान दें. आई कैप जे कैप के कैप वैसे आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तक बता देना चाहता हूं. ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस. आई कैप कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. जे कैप कुछ नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है. और के कैप कुछ नहीं है, ये जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है. तो आई कैप जे कैप कैप तीनों क्या हो गए? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, और ये वेक्टर का जेड कंपोनेंट है. क्या था गाड़ी समझ में आई से बच्चों को? अब बोर्ड पर देखते हैं. यहां पर वापस से दो सेकंड के लिए इधर हम 3D में फिर से आएंगे और फिर देखो कैसे हम वेक्टर का मर्ज करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. ये 3D ले लीजिए, सब बच्चे बोर्ड पर देखो. ये एक्स, ये वाई और ये जेड. यहां पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा थ्री डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला. अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2. सबसे पहले लेंथ AB निकालने में इंटरेस्टेड हूं. व्हाट इज द लेंथ AB? तो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी. डिस्टेंस फॉर्मूला भाई 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है, बस z और एड हो जाएगा. तो लेंथ हो जाएगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर. ये है थ्री डायमेंशन का डिस्टेंस फॉर्मूला. यहीं पर मैं एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं जो कि इसको m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करता है. यहीं पर हम बात करना चाहते हैं सेक्शन फॉर्मूला की. अगर इस पॉइंट को p कह दें तो जैसे टू डायमेंशन का सेक्शन फॉर्मूला था सेम,
यहां पर भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन. जो कुछ टू डी में होता था वही वही थ्री डी में होगा, एक एक्स्ट्रा चीज जेड कोऑर्डिनेट, एक एक्स्ट्रा चीज जेड कोऑर्डिनेट. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला इन थ्री डी एंड दिस द सेक्शन फॉर्मूला इन थ्री डी. दो छोटे छोटे घटिया एप्लीकेशन जो अपने आप बच्चे समझ जाते हैं, पर फिर भी मेरा बताना ठीक रहता है. बोर्ड पर देखो, अगर एक पॉइंट x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा? बिल्कुल सही, x1 plus x2 by 2, कॉमा y1 plus y2 by 2, कॉमा z1 plus z2 by 2. तो एक और चीज देखें, आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते. मान लीजिए एक ट्रायंगल है, यहां पर a है x1 y1 z1, b है x2 y2 z2 और c है x3 y3 z3. बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही गुरुजी, सेंट्रियोइड. तो सेंट्रियोइड मीडियन पर होगा और ये सेंट्रियोइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा. तो लिख दीजिए मध्य बिंदु x2 प्लस x3 by 2, y2 plus y3 by 2, z2 plus z3 by 2. अब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, 2 into this plus 1 into this upon 2 plus 1 3. ओहो, 2 into this 1 into this, क्या दिख रहा है, x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3 comma z1 plus z2 plus z3 by 3. बेहतरीन सेंट्रोइड. ये है थ्री डायमेंशन का डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला. कुछ नया नहीं है, एक z कोऑर्डिनेट जोड़ दो, z कोऑर्डिनेट जोड़ दो. यहां पर ऑब्वियस है ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है और बीच में माइनस साइन लगा देंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा. रुक जाओ एक मिनट रुको, यही देखो क्या था, गाड़ी पहुंची, ये सब यही लिखा हुआ है और अब हम कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं. बोर्ड पर देखिए, यहां पर अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1 और इसके पोजीशन वेक्टर को हम a वेक्टर कह देते हैं, तो ये पॉइंट a आ गया. वही डायग्राम कॉपी कर रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, इसको इससे जोड़ दिया, इसको हम b वेक्टर कह देते हैं और इस पॉइंट को b कह देते हैं. सब बच्चे बोर्ड पर देखें. सबसे पहले मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, किससे, मॉड से. शुरुआत में ही बताया था हर वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. तो ये लेंथ मुझे चाहिए तो 3D पर उतर आइए, ये लेंथ मुझे चाहिए तो ये लेंथ अगर चाहिए तो थ्री डायमेंशन में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी जाएगी, रूट ऑफ एक्स वन माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर. अगर यहीं पर मैग्नीट्यूड बी मुझे चाहिए तो ये आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर, जिसको हम यू समझ सकते हैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. अब सारे वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही थोड़ी होते हैं, उसके अलावा भी वेक्टर होते हैं. अब उसके अलावा वेक्टर होंगे, कभी भी आप वेक्टर बनाओगे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर. पोजीशन वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिसकी पोजीशन आपको बतानी है. लेकिन उसके अलावा वेक्टर है तो उनका भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका भी कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट होगा. क्यों होगा स्टार्टिंग पॉइंट, क्यों होगा एंडिंग पॉइंट, क्योंकि वेक्टर लाइन या रे नहीं है. लाइन का कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता. वेक्टर लाइन सेगमेंट है तो हमेशा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट. जैसे अब कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा. इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं. तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो इस वेक्टर को लिखते हैं ए बी वेक्टर.
हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखा जाता है, एंडिंग पॉइंट बाद में लिखा जाता है। यानी ये वेक्टर इसकी दिशा है ए से बी की ओर, इट इज डायरेक्टेड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड्स टू बी, सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां? ए से बी। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? अब बोर्ड पर देखें, ए बी वेक्टर, जरा जरा डिस्प्लेसमेंट लॉ को देखें, प्लीज देखें डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओरिजिन पर खड़ा हूं, इसका डायरेक्शन यू है, बोल दो हां गुरु जी, इसका डायरेक्शन यू है, बोल दो हां गुरु जी। देखो यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, फिर यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, सो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर इस वेक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए सी कह दूं, तो इवन अ ब्लाइंड चाइल्ड कैन सी, क्या देख रहा है अंधा बच्चा, कि ए वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट प्लस सी वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज बी वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लॉ समझाया था ए वेक्टर, यानी भाई साहब सी वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा इस चीज को ऐसे भी समझो, ए वेक्टर कितना हो गया OA, C वेक्टर कितना हो गया AB, O से A गए फिर A से B गए, तो नेट रिजल्ट क्या रहा, O से B पहुंच गए, O ऐसे लिखा जाता है, O से A गए, मैं कोटा से जयपुर गए फिर जयपुर दिल्ली गए, तो व्हाट वाज द नेट रिजल्ट, कि कोटा से दिल्ली पहुंच गया, तो O से A गए A से B गए, नेट रिजल्ट O से B पहुंच गए। यानी ए बी वेक्टर से बीच की जो गैप कर देते हैं इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। वैसे भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है भाई साहब, फाइनल का पोजीशन वेक्टर एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, इनिशियल का पोजीशन वेक्टर एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। कोई भी वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, ये वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल है। बस यहां इनिशियल क्या है, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो तो पता नहीं लगता, या इनिशियल जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो नहीं है तो दिखेगा पता लगेगा, तो यह बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। यानी जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड का हर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो, तो वेक्टर तो कहीं भी शुरू हो सकता है, तो अगर कहीं और शुरू हो रहा है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए बी वेक्टर। जब भी आप ए बी वेक्टर लिखते हैं यानी ए से बी की ओर जाने वाला वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंडिंग पॉइंट बी है, और इसको वेक्टोरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्या बात समझ में आई? ये चलने का रास्ता बड़ा जबरदस्त है। इधर देखो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो कुल मिला के ए सी डी गए। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज ए डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? बीच के लेटर्स गार्ड होते हैं। यहां पर बड़े आराम से आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे भैया? कितना भैया? रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। बहुत उछल उछल के बात कर ली वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, अभी एक चीज बच गई वेक्टर का डायरेक्शन। कोई आपसे पूछे, मतलब कोई लल्लू आदमी पूछे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप, Z एक्सिस का डायरेक्शन K कैप। अब मैं बोलूं A वेक्टर का डायरेक्शन, कॉपी करो तो बताएं। अब देखो भाई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ गए, ए बी वेक्टर समझ गए, किसी भी दो पॉइंट को जोड़कर कैसे वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। वेक्टर 3D में कैसा होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड भी समझ गए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, वेक्टर का डायरेक्शन। बोर्ड पर देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दो चीजें होती हैं
और वो पालन करता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन का. ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता नहीं है, उसके बाद चीजें दो हैं, एक तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, एक वेक्टर का डायरेक्शन देख सकते हैं. अब सुनो ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड तो बड़े आराम से रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. प्लीज वो पर घूरते रहे, ये आ गया हमारे पास. अब इसका डायरेक्शन, कोई आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं, मेरी बात सुनो. डायरेक्शन हमेशा बताई जाती है यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से. ये शायद ए वेक्टर है, ठीक है. डायरेक्शन बिना मैग्नीट्यूड के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो आप क्या करोगे, आप एक यूनिट वेक्टर बता दोगे, ये इसकी डायरेक्शन है. ये इसकी डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, वही जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है. किसी भी वेक्टर को आप समझो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की तरह. कोई भी वेक्टर होगा तो वो होगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन. देखो ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट वेक्टर हो गया. यूनिट वेक्टर को इसी डायरेक्शन में इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा वेक्टर बन जाएगा, पूरा वेक्टर बन जाएगा. तो ये हो गया, यानी डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. जब भी कोई बोले फाइंड डायरेक्शन, तो इसका मतलब होता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर बनाओ, यूनिट वेक्टर ए टोपी. तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमको निकालना आता ही है. क्या बात समझ में आई बच्चों को, बोर्ड पर देखो, बोर्ड देखो. वापिस से हम लोग आ जाएंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, और यहां से दो और नई चीजें. अभी अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला 3D में देखा, लेकिन चैप्टर का नाम तो वेक्टर है, तो अब आपको यही डिस्टेंस फार्मूला, यही सेक्शन फार्मूला वेक्टर में समझना है, और इजीली समझ में आता है. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर मैंने क्या किया, तीन पॉइंट बनाए और बोला इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और बोला इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और बोला इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है. अरे वेक्टर तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है. सुनो, हम हर बार ऐसा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाते और हर बार ऐसे लाइनें वाइने नहीं खींचते, एक आखिरी बार आपके लिए खींच रहे हैं. कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. जब मैं पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखता हूं, यानी ये उसका पोजीशन वेक्टर है. कहां है वेक्टर, ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ दो, ये है ए वेक्टर. ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ दो, ये है बी वेक्टर. ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ दो, ये है सी वेक्टर. जब भी पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखेंगे, उसका मतलब वो क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर. हर बार ऐसे कोऑर्डिनेट बना के ऐसे गंदगी नहीं मचाएंगे. पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा मतलब पोजीशन वेक्टर, यानी ओरिजिन को उस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर. बोर्ड पर देखते रहे, ये है ए वेक्टर, और यहां पर आपके पास ये है बी वेक्टर, ठीक है. यानी ये ए वेक्टर अभी तो समझाने के लिए पूरा बना रहा हूं, ये है बी वेक्टर. ए वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बी वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. इसको पॉइंट ए से डिनोट करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसको पॉइंट बी से डिनोट करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है. तो अगर ए बी वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल. दो पोजीशन वेक्टर को घटाने से लाइन वेक्टर मिलता है. देखो ये है ए बी वेक्टर, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो. ये पॉइंट था इसका पोजीशन वेक्टर ए था, ये पॉइंट था इसका पोजीशन वेक्टर बी था, ये पॉइंट था इसका पोजीशन वेक्टर सी था. अब मैंने इन दोनों लाइनों को मिला दिया. केवल लाइन नहीं मिलाना, उसके साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. मान लो मैंने यू डायरेक्शन दे दिया, तो ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, तो ये वाला वेक्टर आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. आपको उसके डायरेक्शन देना पड़ेगा. मान लीजिए इस लाइन को मैंने मिला दिया, तभी वेक्टर नहीं लिख पाओगे. पूछोगे गुरु जी इधर किधर किधर, तो मान लो इधर देते हैं, तो ये वेक्टर हो गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अब आप इसको मिला दीजिए,
डायरेक्शन आपकी इच्छा पर है किधर भी, मैं गुरु जी चलो आपकी बारी ले लेते हैं, तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब भी दो पोजीशन वेक्टर घटाओगे तो लाइन वेक्टर मिलेगा। आमतौर पर मैं पढ़ाते पढ़ाते पोजीशन वेक्टर को या पॉइंट वेक्टर कहता हूं, इसे अंडरस्टैंडिंग बहुत, पॉइंट के बगल में लिखा हुआ वेक्टर पॉइंट वेक्टर, और दो पॉइंट वेक्टर को घटाओ क्या मिलेगा, लाइन वेक्टर, एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। पॉइंट वेक्टर को घटाओगे क्या मिलेगा, लाइन वेक्टर। क्या बात समझ में आई बच्चों को? अब जैसे ए बी की लेंथ है वैसे इसको मोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी, तो ये लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी। डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मॉड बी माइनस ए होगा वही मॉड ए माइनस बी। लेकिन अगर आप वेक्टर लिखना चाहें तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तो ये डायरेक्शन दे दी, तो अब ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कोई भी लेंथ आप लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये लेंथ अगर केवल लिखनी हो तो किसी में से भी किसी को घटा दो, ये लंबाई आ गई मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। जैसे ए बी लेंथ आई थी मॉड ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? क्या बात समझ में आई से बच्चों को? बोर्ड पर देखो अभी थोड़ा जादू होने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या लेंथ समझ में आया? क्या पॉइंट वेक्टर समझ में आया? पॉइंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और ये लाइन वेक्टर है। ये वेक्टर एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पॉइंट के बगल में वेक्टर उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब बार बार ऐसे कोऑर्डिनेट बना के सब गंदगी करने की जरूरत नहीं है, सीधे खेलेंगे। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ए और बी के बीच की दूरी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड। ये हो गया वेक्टर का डिस्टेंस फॉर्मूला। यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला। बोर्ड पर देखें, अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, समझ गए होगे पोजीशन वेक्टर, तो इनको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, शायद आपको और अच्छा समझ में। ए वेक्टर मान लीजिए एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप है, और बी वेक्टर मान लीजिए एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। जरा देखिए तो सही है लिखा क्या है, एम बी वेक्टर, ये लिखा है एम टाइम्स एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप प्लस एन टाइम्स एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप होल अपॉन एम प्लस। दिखाई पड़ा? जरा और घूरिए, घूरना बहुत आवश्यक है। यहां पर देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन आई कैप प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन जे कैप प्लस एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन के कैप। ये तो थ्री डी का ही सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट के आगे आई लगा दिया, वाई कोऑर्डिनेट के आगे जे लगा दिया, और जेड कोऑर्डिनेट के आगे के लगा दिया। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? अरे आई के नहीं आए। लेकिन वेक्टर में लिखना कितना आसान है, एम बी वेक्टर प्लस एन, एक सिंगल चीज लिख दी, और यहां पर तीन तीन चीजें लिखनी पड़ती। यहां से एक छोटी सी बात डिराइव कर सकते हैं, बोर्ड पर देखो। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इस ट्रायंगल में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और इस ट्रायंगल में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही है गुरु जी इसका सेंट्रोइड बता दीजिए। तो सेंट्रोइड कैसे होगा, मीडियन, सेंट्रोइड मीडियन को, यह सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर, तो टू इज टू वन के रेशियो डिवाइड करेगा। ये क्या होगा, ये बी और सी का मिड पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी बाई टू, फिर वन इंटू दिस प्लस टू इंटू दिस अपॉन टू प्लस वन। आंखें क्या देख रही हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई थ्री।
अगर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई थ्री. देखो आई कंपोनेंट देखो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री. जे कंपोनेंट देखो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री. के कंपोनेंट देखो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री. क्या वेक्टर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या 3D के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? कॉपी करो.